कर्नाटक में बीजेपी का सूपड़ा हो गया सा। जनता ने बीजेपी को पूरी तरह खो दी। पहले ही बीजेपी के नेताओं को दे दिया था संकेत, कहीं घेरे जा रहे थे, कहीं खदेड़े जा रहे थे। कर्नाटक चुनाव परिणाम की पहली तस्वीर आ गई सामने, मोदी और शाह का प्रोग्राम करना पड़ा रद्द। जब जब तिगड़म सटीक बैठी है, तब तब दिल्ली दफ्तर पर हाथ हिलाई रस्म का निर्वहन होता रहा। लेकिन अफसोस, जिसके इंतजार में दिल्ली बैठी थी, जिसके लिए साहेब ने अपनी पूरी फौज को उतार दिया था, वो मिशन कामयाब नहीं हो पाया। कर्नाटक में कमल मुरझा गया, भारत खस्ता हो गई, कमल छाप नेता हाँफ रहे, और एक रिपोर्ट ने दिल्ली वाले जश्न पर ग्रहण लगा दिया। कर्नाटक में तो बीजेपी गई, कर्नाटक में जनता ने कांग्रेस पर जताया भरोसा, मोदी और शाह की मेहनत हो गई बेकार। ये सब कर्नाटक के लिए किया गया था। चुन चुन कर ऐसे नेताओं की फौज कर्नाटक भेजी जा रही थी जो हिंदू मुस्लिम करने में परफेक्ट हो। फिर ऐसे लोगों पर दाव लगाया जा रहा था जो खोलकर धमकी दे सके। टूटे हुए अपने नेताओं को मनाने के लिए खुद साहिब आगे आए थे। फोन किया गया था, निवेदन किया, अपील की, लेकिन सब धरी की धरी रह गई। खोलकर सामने आ चुका है कि बीजेपी की हालत कर्नाटक में खस्ता हो गई, और अब तो गोदी मीडिया ने भी ऐलान कर दिया है। आज तक का एग्जिट पोल बताता है कि कर्नाटक में कांग्रेस को 122 से 140 सीटें मिलने जा रही है, और बीजेपी 62 से 80 सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं जी न्यूज के मुताबिक कांग्रेस को 103 से 118 और बीजेपी को 79 से 94 सीटें मिल रही हैं। इंडिया टीवी ने भी कांग्रेस की सरकार बनाने पर मोहर लगा दी है, जिसके मुताबिक कांग्रेस को 110 से 120 और बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कुल मिलाकर जो चैनल साहेब की भक्ति में तल्लीन रहा करते थे, उन्होंने ही खोल दी है पोल कि फट गया ढोल, कर्नाटक से बीजेपी होने वाली है बेदखल। मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने सपना देखा था, सुबह कह रहे थे, मैंने सपना देखा था कि मैं कर्नाटका को देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाऊंगा। वाह वाह वाह, आपने सपना देखा, आप सर्वोपरि, सर्वज्ञानी, अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, आपने सपना देखा और आपका सपना साकार नहीं हुआ। किसकी हिम्मत थी भाई कि आपका सपना तोड़ा? मैं बताती हूँ, आप ही की बीजेपी की सरकार ने सपना तोड़ा, क्योंकि कर्नाटका प्रदेश को लूट लूट कर तोड़ा। स्पेशल डेस्क द कंटा।